students, I am Nehal sir, your math faculty. Today we discuss the some point of the coordinate geometry part 2, right? Chapter number 7. So बहुत easy है, बहुत सारे जो points previous lecture में जो हमने नहीं किए थे अभी करके, अभी थोड़ा theory portion ही चलेगा. तो चलो let's start. Some points are there. सबसे पहले बच्चा centroid, okay? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा द सेंट्रोइड क्या है. सेंट्रोइड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ मीडियंस मीडियंस मतलब लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, राइट ना, फ्रॉम द साइड एंड ऑपोजिट वर्टेक्स. इसको आप लोग नॉर्मली क्या बोलते हो, मीडियंस बोलते हो, राइट ना. वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ओके. तो इट इज बराबर सिंपल, द सेंट्रोइड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. जितने भी मीडियंस होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं, ओके. तो फिर आपको याद रखना है सेंट्रोइड divides the median median in the ratio ratio 1, right? Coordinate centroid हम लोग जी नाम दे देते हैं, तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 राइट, ओके. चलो ये तो आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते बच्चों, क्योंकि अब जरूरत पड़ती है एक सर्कम सेंटर की कभी कभी. या बहुत सारी चीजें आपको सम और एमसीक्यू इन द सेंस के वन मार्क क्वेश्चंस में हेल्प करेगा. तो सर्कम सेंटर, सो इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सर्कम सेंटर मतलब इट इज सर्कम ऑफ सर्कुलर है, इतना समझ में आ जाएगा. इट इज the point of intersection of perpendiculars bisector of it is also center of a circle
वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल. आई रिपीट दैट बच्चो, सम प्रॉब्लम. इट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल. यानी ट्राइंगल के वर्टेक्स को छू के ओके जो सर्कल पास आउट हो ना ओके उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर. तो उस सर्कम सेंटर से हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना उसको सर्कम रेडियस कहा जाता है. ओके, और वो सारे इक्वल्स होते हैं. कैसे होते हैं, सारे इक्वल्स. ओके, तो उसमें खाली इतना ही याद रखना है. ओके, तो ये ऑलवेज ओके नॉर्मली सर्कम सेंटर जो राइट ट्राइंगल होता है वो ऑलवेज हाफ ऑफ द यानी मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस होता है. क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस. ओके, तो ये खाली याद रख लेना, कभी कभी इसकी इनडायरेक्टली जरूरत पड़ती है. ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ओके तो वो पता चल जाएंगे आपको इनडायरेक्टली. ओके, चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, यहाँ पे आपकी हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला से ढूंढते थे वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट है तो उसका थोड़ा अलग तरीका है. ओके, बहुत सिंपल है, बट मान लो कि ट्राइंगल एबीसी है और उसमें उसके तीन वर्टाइसिस है. ओके, हम उसको नाम भी दे देते हैं. ए के वर्टाइसिस है एक्स वन वाई वन है तो एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री. ओके, सो लेट ट्राइंगल ए बी सी एनी ट्राइंगल विद द वर्टाइसिस ए एक्स वन एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री. ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड एज सो एरिया is equal to half of into bracket x1 right ये वाला. अब देखो इसको और एक अलग मेथड है. ओके, ये तो बराबर है आपको इजी लाने के लिए, ये तो फॉर्मूला है. ओके, आप क्या करोगे, इसको 11 12 में हम लोग यूज करते हैं, बहुत आसान है. एक्स वन वाई वन ऐसे लिख दो, फिर एक्स टू वाई टू लिख दो, अल्टीमेटली ये जो है वो ही आएगा, फिर एक्स थ्री वाई थ्री लिख दो, उसके बाद एक्स वन वाई वन. अब एक ही मिनट, तो पहले x1 y2 इनका मल्टीप्लिकेशन फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, राइट, बीच में माइनस साइन आएगी, फिर से यही इन दोनों का, इन दोनों का, फिर से पहले a बाद में a बीच में माइनस. ओके, तो इसीलिए भी आपको मिल सकता है, पर बट ये मैंने बताया आपको एमसीक्यू के लिए. ओके, क्यों. ओके, ए दूसरा उसका फॉर्म है, तो मान लो के दूसरा फॉर्म है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स वन वाई टू प्लस एक्स सॉरी एक्स टू वाई थ्री प्लस एक्स
3y1 minus into bracket x2y1 plus x3y2 plus x1y3 बराबर है, ये आएगा यही फॉर्म है। तो जो इस साइड से है ना वो सब प्लस बराबर है, और जो इस साइड से है ओके ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है ना वो प्लस लेना है, और राइट टू लेफ्ट जा रहा है वो नेगेटिव। ओके ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, और एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट तुरंत कर सकते हो। ओके तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। ओके अब अब 3 पॉइंट्स ओके तो 3 पॉइंट्स कौन है, मान लो ए x1 y1 है, बी x2 y2 एंड सी x3 y3 आर कोलिनियर। ओके सो 3 कंडीशन आर देयर, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, मतलब सम ऑफ टू बराबर कंडीशन क्या होना चाहिए कि एनी वन लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। ओके ओके अदर टू का टोटल किसी एक के बराबर होना चाहिए। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, इन तीनों में से राइट। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है, एरिया है ना जीरो होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बराबर इसी से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया जीरो होना चाहिए, इज जीरो। ओके तो उसको भी कोलिनियरिटी कहते हैं, अंडरस्टूड। ओके तो एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमने आगे फॉर्मूला पढ़ी थी वो जीरो होनी चाहिए। ओके तब से वो सेट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि व्हाट आई सी इज आर राइट एंगल और नॉट, ठीक है तो राइट एंगल तो आप जानते ही हो, हाइपोटेनस स्क्वायर के द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल और यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेट ट्राइंगल में एनी टू साइड्स आर इक्वल बराबर, तो ये चीज़ें तो बेसिक पता है, तो इसी बेस आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। चलो अब मैं यहाँ पे कोलिनियर के बेस पे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले भाई कोलिनियरिटी देखी ना तो पता चलेगा। एक एग्जांपल कि सो दैट द पॉइंट ए फर्स्ट वाले को ए कह दो 1 2, बी 4 5 एंड सी पॉइंट है बच्चों वो -1 0 है। ओके लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उसका मतलब कोलिनियरिटी, कोलिनियर है कि नहीं वो चेक करना है। दो तरीके, एरिया से ला दो जीरो हो जाएगा, या
दो साइड का टोटल मिलके हो जाएगा। तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू ये रहा, एक्स टू माइनस एक्स वन कोई फर्क नहीं पड़ता, वन माइनस फोर स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव स्क्वायर। यहाँ पे आएगा माइनस थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वायर तो नाइन, एटीन हो गया, सो थ्री अंडर रूट टू आ गया यूनिट्स। बी सी ढूंढते बच्चों ऐसे ही, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर, इसके लिए तो फोर माइनस माइनस प्लस वन हो गया, प्लस बी का कोऑर्डिनेट फाइव है, सी का जीरो है, तो स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट। ओके तो इधर ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन, फाइव अंडर रूट टू यूनिट्स हो गया, राइट। चलो अब आगे ए सी ढूंढ लेते हैं, ए सी ए सी माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर प्लस टू, जीरो माइनस टू स्क्वायर, सो इज इक्वल टू फोर प्लस फोर इज इक्वल टू अंडर रूट एट, फोर टू जार एट टू अंडर रूट टू यूनिट। आया समझ में नंबर टू, इससे भी अच्छा है। चलो फाइनली वैल्यूज ऑफ के, देखो वर्ड क्या लिखा है वैल्यूज ऑफ के, तो पॉसिबल एक से ज्यादा मिल रही होगी, फॉर विच पॉइंट फर्स्ट वाला पॉइंट है के टू माइनस टू के माइनस के प्लस वन कॉमा टू के माइनस फोर माइनस के सिक्स माइनस टू के आर कुलेंगे। चलो हम लोग को लीनियर से सेट कर देंगे, तो मैंने पहले बोला एरिया जीरो, एरिया जीरो क्या बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा जीरो, सबसे इजी रहेगा ये तरीका। देखो एरिया जीरो है ना, तो क्या रहेगा एक्स वन एक्स थ्री आ गया, वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू क्या रखना है आपको जीरो। चलो वैल्यू रखते जाओ और उसका आंसर फिर आपको मिलता जाएगा। तो के इंटू ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री, सो टू के माइनस सिक्स, ओके टू के माइनस सिक्स एंड प्लस टू के प्लस एक्स टू वन माइनस के सिक्स माइनस टू के माइनस टू प्लस टू के माइनस फोर
इक्वल टू जीरो। फोर के माइनस सिक्स प्लस वन माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे खाली फोर ही रहेगा राइट, फिर माइनस फोर प्लस के राइट, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा ओके टू माइनस टू कर लो माइनस फोर के हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ओके फोर के स्क्वायर माइनस सिक्स के माइनस फोर के अरे प्लस फोर माइनस फोर के माइनस एट, फिर माइनस सिक्सटीन के माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्सटीन के माइनस टू के एंड प्लस फोर के स्क्वायर। चलो अब अरेंज कर देते हैं तो हमें मिला एट के स्क्वायर प्लस फोर के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। कॉमन निकाल दो टू के स्क्वायर फिर के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो राइट। इसके फैक्टर्स तो अब आपको आते ही है बराबर ना। चलो क्या आएंगे इसके फैक्टर्स, टू वन जा टू रूपी टू के इज कॉमन के माइनस वन प्लस वन के माइनस वन माइनस वन बाई टू। चलो आई बात समझ में ओके बच्चों, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो तो के की वैल्यूज आपको मिल गए राइट। तो बस अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़े बहुत मतलब मेन एक्सरसाइज शुरू करेंगे ओके। सब सम हेल्प प्रॉब्लम्स हो ओके। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम टू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए टिल द एंड बाय बाय।